So yes, morning के 7:18 हो रहे हैं और हम लोग पावागढ़ के लिए निकल चुके हैं because विश का शूट है और वहाँ पे बट ऑब्वियसली बात है पावागढ़ जा रहे हैं और दर्शन नहीं किया तो क्या ही मज़ा आने वाला है. सो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि आज पहली बार विश मॉर्निंग में 5 AM पे उठ चुकी थी क्योंकि मैं एक्साइटेड थी. मुझे पावागढ़ कब का जाना था बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पा रहे थे और आज हम जा रहे हैं. सो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है. तो हमारे साथ पिक्सो भी है. ये हाय पिक्सो. जब भी आप लोग फ़ोटो शूट करवाने के लिए घर से बाहर निकलो कहीं आउटर लोकेशन पे तो मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा. वो ज़रूरी बात ये है कि कैमरा लेके ज़रूर निकलना. ये देखो ये झूठ मूठ का पानी में पत्थर फेंकने की एक्टिंग कर रही है तो आप इनके पत्थर फेंकने पर बिल्कुल ना जाए. तो मैम आपको कैसा लग रहा है? मत पूछो. How's your experience, Vish? Superb. पहली बार तो मुझे अजीब सा लगा था बिकॉज मेरे पेट में गुड़ 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 हो रहा था बट जब मैंने ऊपर से देखा ना तो सच में बहुत अच्छा लगा था. मैं 2-3 और बार ऐसे करूँ. इन्होंने बोला कि बोलो नारियल प्रसाद. मैंने बोल दिया नारियल प्रसाद. अब हंसी आ रही है. इनकी हंसी नहीं रुक रही. देखो जहां आता जी बहुत जरूरी है. वर्कआउट क्या करो
वो जा रहे हैं ये जिम विम वाले लोग हमसे ना पड़ेगा भाई आप जाओ। फ्लैशबैक एंड अ फ्लैशबैक। ओ काका ओ बेबे और ये हमें सिर्फ मौका मिला है। ये थोड़े से शर्मा रहे हैं बट ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। बहन आपका नाम बताओ। रिया। और बहन आपका? दक्षा। ओहो क्या बात है, क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं, इधर धंधा करते। अरे वाह, मतलब कैसा चल रहा है आपकी दुकान वगैरह आप लोगों के? अच्छा अच्छा। ऐसे लोग आते हैं ऐसे वीडियोस और फोटोज वोटोज क्लिक करवाने यहाँ पर? सब इधर वीडियो और फोटो खींचने के लिए आते। परेशान कर देते होंगे ना आप लोगों को? पर एक सच्ची बात बताओ, बचपन से आप लोग यहाँ पर रह रहे हो तो आप लोगों को बहुत मजा आता होगा यहाँ पर? हाँ बहुत, इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है किधर भी। तो ये एक्चुअली हम शहर वाले लोग सोचो स्पेशली घूमने के लिए आते हैं, आप लोगों को तो मतलब बचपन से ये जगह देखने के लिए मिली। वाह, ये नहीं आता। मैंने ना अपनी लाइफ में कभी भी पापड़ी का लोट नहीं खाया था, मेरी बीवी की वजह से खाया। ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, ये लोग मस्त पापड़ी का लोट बनाते हैं, फेमस बोले तो। ये बात के साथ ना ये आम जरूर खाना है। अगर आप पावागढ़ आते हो तो सच्चे मन से आओ, ठीक है? और बोला मत आओ। नहीं आओ, दिल से पूजा करो, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।